नहीं, मैं गाऊंगा। एक बार एक गधा गाने का शौकीन था। उसकी आवाज अच्छी नहीं थी और हर कोई उसे गाने से रोकता था, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। वह हमेशा कहता, नहीं मैं गाऊंगा। गधा दिन में काम करता और रात को घूमता था, लेकिन उसे सुबह घर लौटना ही पड़ता था। जंगल में घूमते घूमते गधा और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए। लोमड़ी खुश थी क्योंकि गधा हमेशा खेत की दीवार तोड़ देता और दोनों मजे से ताजे और पके हुए कद्दू खाते। दोनों सुबह को अलग-अलग चले जाते। वे हर रात मिलते और खेतों में मजा करते। एक रात गधे ने आकाश की तरफ देखा। उसने कहा, पूरे चांद की तरफ देखो, इसकी चांदनी कितनी प्यारी है, वातावरण कितना सुहावना है, मैं तो गाना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अरे मूर्ख, हम किसी दूसरे के खेतों में घुसकर उसकी फसलें खा रहे हैं, चोरी करते हुए तुम कैसे गा सकते हो? गधे ने कहा, रात को हमें कोई नहीं देखेगा, सब लोग सो रहे हैं, मैं एक अच्छा गाना गाऊंगा, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या गाना चाहिए। लोमड़ी ने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं, अगर तुम गाओगे तो चौकीदार जाग जाएगा, वह जरूर हमें पीटेगा। गाओ मत और मीठे कद्दूओं को खाने का मजा लो। गधे ने कहा, तुम तो एक जंगली जानवर हो, तुम गीत और संगीत के बारे में क्या जानो? अब मैं एक अच्छा गीत गाऊंगा, मेरा गीत सुनना और मेरी आवाज की तुलना मीठे कद्दूओं से करना। लोमड़ी ने कहा, तुम्हें गाना है तो गाओ, लेकिन मुझे इस खेत से जाने दो, मैं चौकीदार पर नजर रखूंगी, तब तक तुम गाना शुरू मत करना जब तक मैं बाहर ना चली जाऊं। लोमड़ी खेत से चली गई। गधा ऊंची आवाज में गाने लगा, आहा ओहो, चौकीदार जाग गया और वह अपने हाथ में छड़ी लेकर गुस्से में खेत की ओर दौड़ा। उसने गधे को पकड़ा, पीटा और गधा जमीन पर गिर पड़ा। चौकीदार ने उसके गले में एक लकड़ी का फ्रेम डाला और उसे बहुत बुरी तरह पीटा। गधा दर्द से कराह रहा था और कुछ समय बाद वह उठा और खेत से बाहर चला गया। लोमड़ी ये सब देख रही थी। उसने कहा, बहुत अच्छा दोस्त, सचमुच तुम तो एक महान गायक हो, चौकीदार ने तुम्हारी गायकी से खुश होकर तुम्हें उत्साहित किया है और तुम्हारे गले में एक तगमा डालकर तुम्हें सम्मानित भी किया है। गधा दर्द से कराह रहा था, लेकिन मैं अभी भी गा रहा था, आहा ओहो।